Hello everyone, we have discussed about arithmetic progression, geometric progression and arithmetic geometric progression. ठीक है, अपना last topic है sequence and progression chapter का harmonic progression और harmonic mean, और last topic होगा harmonic mean, arithmetic mean और geometric mean में relation क्या होता है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन से. ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है भाई, जैसा हमने एपी में देखा था जो टर्म्स होती हैं लगातार कॉमन डिफरेंस होते हैं, सेम एज दिस हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी का रेसिप्रोकल है. ठीक है, द टर्म्स इन एचपी लिख देते हैं हम, एचपी आर द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो एचपी के अंदर टर्म्स होती हैं वो किसमें होगी, रेसिप्रोकल होगा एपी का. तो जैसे देख लेते हैं हम, मान लिया एपी की टर्म्स लिखते हैं हम, एपी की टर्म्स क्या होगी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसी तरह लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हो गया, तो एचपी क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल्स 1 by a, 1 by a plus d, 1 by a plus 2d, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1 by a plus n minus 1 into d. ठीक है, अब यदि हमें सोल्व करना है तो क्या करेंगे, मान लिया इस टाइप में कोई क्वेश्चन दे दिया, तो हम उनका रेसिप्रोकल लेके पहले एपी को सोल्व कर लेंगे, और एपी को सोल्व करने के बाद दोबारा से एचपी की जो टर्म्स हमें निकालनी है वो चीज निकाल सकते हैं हम. ठीक है, ये हो गई एचपी की प्रोग्रेशन सीरीज. नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से. इसके अंदर एक क्वेश्चन है, टी थ्री टर्म हमें दे दी है 1/3 के इक्वल, एक टी एक्स टर्म है वो दे दी गई है हमें 1/5, और टी एन दे रखा है 3/203. ठीक है, ये तीन चीजें दी गई है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी. देखो ये सभी की सभी एचपी के अंदर है, तो हम क्यों ना पहले इनको वो कर लेते हैं उसमें कन्वर्ट, एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर एचपी की इनकी टर्म्स लिखते हैं हम, तो क्या आएगी, टी थ्री इज इक्वल टू 1/a plus 2d इक्वल टू 1/3 के इक्वल. इसी तरह टी सिक्स किसके बराबर आएगा, 1/a plus 5d इज इक्वल टू 1/5 के इक्वल. तो हम अगर इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहां से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे. हम वही चीज कर लेते हैं यहां पे, ए प्लस टू डी क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल, और ए प्लस 5d आ जाएगा 5 के इक्वल. अब हम क्या काम करें, माइनस करते हैं सेकंड, ये फर्स्ट टर्म मान ली हमने, ये सेकंड, हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं. तो अगर माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5d माइनस 2d 3d इक्वल टू 2 आ गया ये, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3 के बराबर. ठीक है, ये आ गई d की वैल्यू. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम d की वैल्यू इस एक इक्वेशन में कौन सी में भी पुट करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने फर्स्ट में रख दी वैल्यू, 2/3 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4/3, तो ये क्या आ जाएगा, 5/3 आ गई. ठीक है, अब ये टर्म्स आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू 5/3 और d की वैल्यू क्या आई है, 2/3. ठीक है, अब हमें टी एन का पता है 3/203 है, मतलब अगर हम इसकी टर्म लिखते हैं टी एन इज इक्वल टू 1/a plus n minus 1 into d इज इक्वल टू 3/203,
तो इसकी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी, एपी बन जाएगी। तो एपी बन गई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 203 डिवाइड बाय 3 के बराबर, बन गई ये चीज। अब हम क्या काम करेंगे, जो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 5/3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है अपना 2/3 है इज इक्वल टू 203/3। अब देखो जो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3 ये 3 कैंसिल आउट, इससे क्या बच गया, 5 + 2n - 2 इज इक्वल टू 203। 5 - 2 3 और 3 इस साइड जाएगा तो क्या रह जाएगा, 200 रह जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू आ गया 200 के इक्वल, और n क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, अब 100 आ गई, जिनका जो हार्मोनिक लास्ट टर्म है वो दे रखी हमें प्रोग्रेशन की, लास्ट टर्म 3/203 है। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किया था तीन टर्म्स के लिए, उसी तरह फर्स्ट पहले हम तीन टर्म्स का हार्मोनिक मीन देख लेते हैं। देखो पैटर्न सारा का सारा सेम एज इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही रहेगा एचपी के अंदर, जो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म होती थी, लास्ट माइनस लास्ट सेकंड होती थी, वो सभी का सभी पैटर्न सेम, बस चेंज क्या है, बस टर्म्स है वो एक दूसरे की उल्टी है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ठीक है, तो देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होगा। हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन इफ देर आर थ्री नंबर्स, थ्री एपीज दे रखी है हमें, ए बी और सी इन एच पी, देन दियर हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, देखो जैसे एच पी के अंदर हम लिखते थे, सॉरी ए पी के अंदर लिखते थे 1/b - a, 1/a इज इक्वल टू 1/c - 1/b के बराबर, तो ये आ जाता था 2/b इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइड बाय ए सी। तो b की वैल्यू क्या आई थी, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2ac डिवाइड बाय a प्लस c के बराबर। ठीक है, ये क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन होगा अपना यदि तीन नंबर्स एचपी के अंदर दे रखे हैं तो। ठीक है, सेम एज इट इज यदि ए बी सी एचपी में, इसका मतलब क्या है, 1/a 1/b और 1/c टर्म्स हैं हमारी एचपी में, और उनसे हमने हार्मोनिक मीन निकाल दिया, क्या होगा हार्मोनिक मीन, 2ac डिवाइड बाय a प्लस c के बराबर। अगर इसी तरह ये कह दिया जाए भाई एन नंबर ऑफ हार्मोनिक जो मीन है वो हमें इंसर्ट करने हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन इंसर्टेड, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा देखते हैं। देखो एन नंबर ऑफ इंसर्टेड है, यहां से अगर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आई है, यदि दो तीन थे हमारे, तीन के लिए आए था कुछ सम आए था, देखो यहां से अगर हम लिखते हैं दोनों को एलसीएम लगा के लिखेंगे ये, तो 1/a प्लस 1/b 1/c कुछ ऐसा आया था, 2/1/a प्लस 1/c कुछ ऐसा, देखो दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा का ऐसा ही, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो सेम एज इट इज यही बनेगा। तो इसी तरह यदि एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स इंसर्टेड कर दिए जाए दो नंबर्स के बीच में तो क्या लिखेंगे हम, एच एम इज इक्वल टू, देखो नंबर ऊपर देखो जितने नंबर्स आएंगे बचे हुए एन नंबर ऑफ किए हैं, तो एन नंबर ऑफ मतलब एन डिवाइड बाय, अब क्या करेंगे जितने भी हार्मोनिक मीन्स टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे नीचे, 1/a1 + 1/a2 + 1/a
ए थ्री प्लस सो ऑन वन बाई ए एन। ठीक है, ये चीज समझ। ये अपना क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा यदि एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन से इंसर्ट कर दिए जाए दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है, अगर दो नंबर हम मान लेते हैं भाई ए और बी, इन दोनों के बीच में एच नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स हमने वो कर दिए हैं एच एन। ठीक है, अब इनका रेसिप्रो देखो, ये टर्म्स क्या है, एपी में है, अगर एपी में है तो उसमें क्या आ जाएगी, एचपी में क्या आ जाएगी, वन बाई ए, वन बाई एच वन, वन बाई एच टू और सो ऑन वन बाई एच एन और वन बाई बी, ये बन गई। अब नेक्स्ट हमें निकालना है वन बाई एच वन। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट डी की वैल्यू निकाल दें। देखो जैसे हमने, देखो एपी के अंदर जो इस ये है, इसके अंदर यदि हम डी की वैल्यू निकालते तो किसके बराबर आता था, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, ये था एपी के लिए। एचपी के लिए क्या हो जाएगा, एचपी के लिए डी की वैल्यू जो बी और ए है वो क्या है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा वन बाई बी माइनस वन बाई ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, ये अपना हार्मोनिक मीन के अंदर डी की वैल्यू होगी वन बाई बी माइनस वन बाई ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। अब क्या करेंगे हम, वन एच वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहां से अगर हम एच वन निकालते हैं या फिर वन बाई एच वन अगर हम सोल्व करेंगे, वन बाई एच वन इक्वल टू क्या आएगा, वन बाय ए प्लस डी आएगा, यही तो आएगा वन बाई एच वन। सेकेंड टर्म है, सेकेंड किसके बराबर होती है, ए प्लस डी, तो ये क्या आ जाएगा वन बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू वन बाय ए प्लस वन बाई बी माइनस वन बाई ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, इसी तरह अगर हमें एन लिखना हो, वन बाई एच एन, वन बाई एच एन किसके बराबर आएगा, वन बाई एच एन आएगा ए प्लस एन डी के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर ये एच एन माइनस वन टर्म है तो प्लस एक टर्म ये भी तो है, तो टोटल टर्म कितनी हो गई, एन हो गई, तो यहां से ये बन जाएगा वन बाय ए प्लस एन डी। ठीक है, ए प्लस एन डी, डी की वैल्यू क्या है, वन बाय बी माइनस वन बाय ए डिवाइड बाय एन प्लस वन, ये बन गया अपना एन एच एन। अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी हो, लास्ट टर्म किसके बराबर आई है, बी के बराबर। देखो ये डी की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, यहीं से तो निकाली है, जो डी वैल्यू निकाली थी कैसे निकाली थी, बी, देखो यहाँ पे कर देते हैं हम इसको सोल्व, डी की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है। देखो फर्स्ट टर्म थी अपनी वन बाई ए और लास्ट टर्म थी वन बाई बी के बराबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन प्लस टू है। क्यों, क्योंकि एन नंबर ऑफ हमने एच इंसर्ट करके हैं और दो टर्म्स ये हैं। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी बी, वन बाई बी किसके बराबर होगा, वन बाई ए प्लस एन माइन एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है, और अब क्या काम किया हमने, डी की वैल्यू निकाल दी, डी इज इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, ऐसे हमने ये डी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है हमने, आई ये चीज समझ। बस कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज एपी है, जस्ट हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया हर एक टर्म्स का। अगर फर्स्ट टर्म है तो उसका वन बाय टर्म, अगर लास्ट है तो वन बाय बी कर दिया, और डी की वैल्यू हमने निकाल दी जहां जहां पे। देखो एपी के अंदर क्या था, बी और ए था, एचपी के अंदर क्या हो जाएगा, एचपी के अंदर बी की जगह वन बाय बी और ए की जगह वन बाय ए हो गया, और कुछ भी चेंज नहीं है एचपी के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक हो गया अपना हार्मोनिक मीन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम रिलेशन पढ़ लेते हैं भाई, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे अब के बार हम।
ठीक है, रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एम लिख लेते हैं, अगर दो नंबर्स के बीच यदि हम ए एम लिखते हैं, इफ वी टेक टू नंबर, टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, देन दियर ए एम इज, ए एम किसके बराबर होता है, नंबर का सम और डिवाइड बाय टू, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू के बराबर, ठीक है, ये क्या होगा ए एम होगा। इसी तरह जी एम क्या होगा, जी एम होता है भाई रूट ऑफ ए बी के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह यदि हम एच लिखते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा, हार्मोनिक मीन होगा टू ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। अब हम इनके अंदर कुछ रिलेशन बनाते हैं, ये एच हो गया, ये जी हो गया और ये ए है, ठीक है। अब हम इनके अंदर कुछ रिलेशन बनाते हैं, देखो एच एम देख देखते हैं, हम एच एम को देखते हैं, अगर हम इस टू को इसके नीचे ले आए भाई, ये ऐसे लिख दे ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, देखो ये क्या चीज है, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू क्या है, ऊपर से हमें दिखाई दिया ये ए एम है। और नेक्स्ट थिंग ये देखो जो ए बी है, यदि ये ए बी स्केयर रूट होता है, यहां पे क्या है जी एम क्या है, स्केयर रूट ऑफ ए बी एम, मतलब ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, जी स्केयर लिख सकता हूं, और ए प्लस बी बाई टू को मैंने लिख दिया ए। तो क्या रिलेशन बना, यहां से रिलेशन ये बन गया भाई, जी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एच के बराबर, ठीक है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में क्या रिलेशन आ गया, जी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एच के बराबर, ठीक है। कैसे हमें, और ये चीज और देखेंगे, जो ये रिलेशंस हैं ये सभी के सभी वैलिड हैं, वैलिड फॉर फॉर टू नंबर्स, ठीक है, वैलिड फॉर टू नंबर्स। अगर टू से ज्यादा हो गया तो हम ये चीज नहीं कह सकते भाई इन दोनों के, इन तीनों के बीच ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी, तीनों में इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये चीज पढ़ा था भाई, जो ए एम है वो ग्रेटर देन था किससे, जी एम से, और इक्वालिटी होल्ड तब हुई थी जब जो सीरीज की टर्म्स हैं यदि वो इक्वल हो, तब किया था हमने, हमने लिखा था भाई ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और इक्वालिटी होल्ड हुई थी व्हेन टू नंबर, व्हेन टर्म्स ऑफ सीरीज आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह अब की बार हम इनक्वालिटी, तीनों के अंदर इनक्वालिटी पढ़ते हैं। हमने मान लिया जो ए एम है वो ग्रेटर देन होगा जी एम से, और जी एम ग्रेटर देन होगा एच एम से, ठीक है, ये रिलेशन होगा तीनों में, ठीक है। क्या भाई ए एम सबसे बड़ा, फिर जी एम और फिर एच एम सबसे छोटा होगा, और इक्वालिटी कब होगी, इक्वालिटी होल्ड्स होल्ड्स व्हेन टर्म्स आर इक्वल, ये चीज हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, हम कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं, वन और टू ले लिया हमने, ठीक है, वन और टू दो नंबर्स ले लिए, उनका हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल के देखते हैं, और हार्मोनिक मीन निकाल के देखते हैं, और फिर देखते हैं भाई जो ये रिलेशन है ये इनक्वालिटी का, ये गुड होल्ड हो रहा है या फिर वेरीफाई नहीं हो रहा। मान लिया हमने टू नंबर्स मान लिए, ए इज इक्वल टू वन और बी इक्वल टू टू मान लिया, तो इन दोनों का ए एम क्या आएगा,
एम आ जाता है 1 + 2/2, मतलब 1.5। ठीक है, जीएम क्या आएगा, जीएम इज इक्वल टू आ गया √1 × 2, मतलब √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग आ गया। ठीक है, 1.4। और नेक्स्ट आ गया एचएम, एचएम क्या होता है, 2 × 1 × 2/1 + 2, मतलब 4/3। 4/3 कितना आ गया, 1.3 समथिंग, 333 कुछ ऐसा आ गया। तो हमने देखा जो ए एम है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम आ गया। ये रिलेशन होल्ड्स गुड, मतलब ये चीज क्या है, वेरीफाई हमने कर दिया भाई ये रिलेशन ठीक है हमारा, ए एम सब हमेशा सबसे बड़ा होगा, फिर जी एम उससे छोटा होगा और एच एम सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये अपना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। थैंक यू।